ठीक है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, मेरे साथ निरंजन जी हैं। निरंजन जी की एज 56 साल है और निरंजन जी पुणे से आए हैं। निरंजन जी अपनी गर्दन के दर्द को लेके आए हैं, बट ये भी कह सकते हैं निरंजन जी अपनी पूरी बैक की प्रॉब्लम को लेके आए हैं। निरंजन जी से हम उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैसेज पहुंचा सकूं, और जिस पर्पस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो आप समझ सकें, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मीनिंग है इस वीडियो का बताने का वो ये है कि अगर आपकी भी शेप निरंजन जी जैसी हो गई है तो डॉक्टरों के पास ज्यादा ना जाएं, आप अपना मैक्सिमम टाइम एक्सरसाइज पे स्पेंड करें। इनिशियली बहुत दिक्कत होगी, दर्द बढ़ेगा, आप जो एक्टिविटीज कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे और बहुत परेशानी होगी। और अगर निरंजन जी की तो उम्र 56 ईयर्स है तो इनके रेफरेंस में बोल रहा हूँ, आप में से कोई भी 25, 30 साल, 40 साल का है तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए होता है उसकी जनरल हेल्थ और उसकी मसल कंडीशन, राइट सर जी? आप भी जानते होंगे जब आपको 25 साल पहले ये दिक्कत हुई होगी, 20 साल पहले, तब आप बहुत जल्दी रिकवर करते थे जी, जी ना। तो एज फैक्टर नहीं होता है, फैक्टर होता है आपकी मांसपेशियों में कितनी ताकत है। अब व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा, जो कंधे होते हैं ये गर्दन का जोर लेते हैं, वेट लेते हैं। आपके कंधे अगर मजबूत हैं तो आपके नेक का वेट ले पाएंगे, है ना। जिन लोगों के किसी भी एक्टिविटी की वजह से, जैसे निरंजन जी मोस्टली बिजनेसमैन है तो मोबाइल, लैपटॉप या नीचे झुकने का ही काम करते हैं, तो ऐसे में जब भी गर्दन आगे झुकाते हैं तो ये कंधों पे और अपर बैक पे प्रेशर आने लग जाता है। और निरंजन जी समहाउ आप एक्सरसाइज करते रहे हो, जनरल करते रहे हो जी, हाथ वाथ चलाते रहते थे? हाँ, पुश अप पुल अप कुछ करते थे? नहीं, सिर्फ वॉक तक सीमित थे? नहीं, वॉक नहीं, थोड़ा जो हाँ। तो एक और चीज, व्यूअर्स को दिखाते हैं, आप एक्सरसाइज बताइए करके। एक्चुअल में जैसे कि एक्सरसाइज जब करता हूँ तो इससे थोड़ा रिलीफ मिलता है मेरे को। और ये है तो देखिए, ये एक्सरसाइजेस मेरी जनरेशन तो देखते हुए गुजर गई है। मैंने शायद ही कभी अपने लाइफ में ये एक्सरसाइजेस अपने पेशेंट्स को बताई है। उसका सोल कारण है ये आइसोमेट्रिक है, जिसमें मसल घूमती नहीं है, चलती नहीं है, ठीक है। और मैं कितना भी ताकत लगा दूं, दिक्कत दीजिए मेरे हाथ को, मैं कितनी भी ताकत लगा दूं वो इतनी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, है ना। ये सिर्फ एक तरह से बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। आपको अगर बहुत अच्छी एक्सरसाइज करनी है तो मैं गर्दन की एक्सरसाइज तो मैंने 19 साल में 18 साल में किसी को नेक की एक्सरसाइज नहीं कराई, चाहे वो नेक के पेशेंट के साथ आए, मैं उनको ज्यादा से ज्यादा शोल्डर्स की एक्सरसाइज कराता हूँ, ठीक है। अगर इसमें आपके पहले तो शोल्डर की एक्सरसाइज कभी भी करते हैं तो कोहनी सीधी रहती है, ठीक है। अगर ये सीधा नहीं है, ठीक है, तो ये कमजोर हो गया। और दूसरी चीज, जब भी कंधे कमजोर होते हैं तो आप देखेंगे अभी चेस्ट भी आगे झुकने लग जाती है। अब मैं आपके हाथ अगर पीछे खींचने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप पीछे भी नहीं जा रहे, जबकि आप एक्सरसाइज गर्दन के लिए कर रहे हैं। मेरा मैसेज यहाँ पे उन सब लोगों के लिए है, अगर आपको गर्दन में या बैक में दिक्कत है प्लीज हाथों को चलाएं। जितना हाथ चलाएंगे गर्दन अपने आप से ही ठीक हो जाएगी, है ना। हम गर्दन के चक्कर में हाथ चलाना ये साफ साफ शो कर रहे हैं, है ना। तो गर्दन, फ्रोजन शोल्डर, ये एक साथ में चलते हैं एक दूसरे के साथ। उन्हीं के साथ ये दिक्कत होती है जिनकी मसल्स कमजोर हो जाती है। आप में से भी किसी के पास कोई भी क्वेश्चन? हाँ, वो अगेन वो बहुत बेसिक है, ये उनके लिए होता है जो हाथ चला नहीं पाते, है ना। लेकिन आपको हाथ पूरा चलता है तो मैं चाहूंगा इसमें 1 किलो का डंबल हो, ताकि जैसे ही रेजिस्टेंस पड़ेगा, मसल के ऊपर जोर पड़ेगा तो ही तो मसल खुलेगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप किसी चीज को पकड़ के हाथ खींच सकते हैं तो वो करें, तो शरीर को कष्ट देने। अब इनकी जो कंडीशन है वो मैं इस वक्त इनको कंफर्टेबल करने की कंडीशन है, जिसमें इनको कंफर्टेबल कर सकता हूं, क्योंकि ये दिल्ली में रहते नहीं है, पुणे से आए हैं। यही चीज अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होता तो मैं इनके साथ जहां पर मुझे पता पेन बढ़ेगा मैं वो भी टॉलरेट करता, जो आने वाले टाइम में हेल्प करेगा। उसी तरह से जिस तरह से मोदी जी जो आज कर रहे हैं वो आज हेल्प नहीं कर रहा, 30-40 साल बाद हेल्प करेगा। सिमिलर मैं उस पाथ पे अपने पेशेंट्स को ले जाता हूँ, बजाय
इजी पाथ कि ये कर लीजिए। 99% लोग जो मेडिकल फील्ड में है वो ही काम करते हैं जिसमें उनको लगता है कि मेरा पेशेंट यहाँ से बिना दर्द के जाए, और मुझे कोई हेजिटेशन नहीं मेरा पेशेंट यहाँ से दर्द के जाए, लेकिन उसको लॉन्ग रन में अच्छी एडवाइस और सही तरीका बताया जा सके। अब ये कायरोप्रैक्टिक के लिए आए हैं तो इनके बेटे को तो पता है कि कायरोप्रैक्टिक क्या होती है, आपको भी कुछ पता है कायरोप्रैक्टिक के बारे में? वही मैं सुनना चाहता हूँ, वही जो सेट करते हैं। सेट करते हैं हाँ। तो ये बताना चाहूंगा आपको भी, अंकल को भी और बाकी सारे व्यूअर्स को, सेट करना खाली एक ट्रीटमेंट है, जिस तरह से योगा में आसन करना एक ट्रीटमेंट है, उसमें योगा के बहुत सारे और पार्ट होते हैं, तो सेट करना सिर्फ एक ट्रीटमेंट है। अब आप ये सोचिए अगर गर्दन का दर्द आपको भी है, इनमें से किसी को भी है, तो मैं बहुत इजीली कर दूंगा क्योंकि इनकी हड्डियां फ्लेक्सिबल है, मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा मांसपेशियां। अगर मैं आपकी गर्दन को घुमाता हूँ या कोई भी मूवमेंट करता हूँ तो आपको तो दिक्कत होगी सर, तो आपकी तो टिकट वहां से यहाँ तक वेस्ट हो जाएगी अगर आप सिर्फ ये सोच के आए, तो क्या मैं आपका इलाज नहीं करूंगा? करूंगा, आपके लिए वो सारी चीजें भी करूंगा। तो जैसा हमारा कॉन्सेप्ट है, सब लोग सोचते हैं कि आवाज निकल जाए और प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता, चाहे वो कोई भी फ्री भी हो। एब्सोल्युटली ये तो सिर्फ एक पॉइंट है कि आपके जॉइंट से स्ट्रेस हटने से यू फील नाइस अबाउट इट, और हर जॉइंट को आप नहीं खोलते, खासतौर से फर्स्ट सेशन में, सेकंड सेशन में, क्योंकि आप अनड्यू प्रेशर या ट्रॉमा देके कोई ऑर्गन इनको पीछे से खोला, अभी कंधे इनके आगे टाइट है, अगर मैंने प्रेशर दिया भी, अगर ये खुलेगा तो ये भी तो खींच सकता है, रिब्स भी तो खींच सकती है, ये दिक्कत बड़ी कॉमन होती है। तो इस तरह के पेशेंट्स में हमें बहुत जेंटल करना पड़ता है, फिर हम हाथ से काम करने पे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं ताकि जल्दी जल्दी वो खुलना चालू हो। और बहुत सारी बातें हो गई, मैं ये भी बोलना चाहूंगा तो मेरे जैसा कोई पेशेंट हो तो लाइफ में कभी ऑपरेशन नहीं करवाए। हाँ, ये हमने पॉइंट मिस कर दिया जी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मैंने दो दफे तीन दफे ऑपरेशन थिएटर से और मैं ऑपरेशन नहीं करवाया, वैसे मेरा एकदम 100% कम्प्लीट हो चुका था, पेमेंट भी कर चुका था, सब कुछ हो गया, मेरे MRI 4-5 हो चुकी, लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, ये एक मेरा प्लस पॉइंट है। हाँ, तो ये प्लस पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं जी। जैसे कि इनके MRI में मैंने देखा है, जो बताया गया है कि सारी डिस्क अपनी जगह से बाहर निकल चुकी है, लेकिन जैसे हमने इनसे पूछा क्या आपको किसी भी हाथ में झंझनाहट है, इन्होंने कहा नहीं है। अगर इनके किसी भी हाथ में सुनपन रहता और ये हाथ नहीं चला पाते और वो 2-3 महीने से ज्यादा हो जाता तो मैं भी कहता कि सर ऑपरेशन करा लीजिए, ताकि हम थेरेपी के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इनको वो कोई सिम्टम्स नहीं थे इसलिए सर्जरी की जरूरत नहीं था। दूसरा, अगर वो 6 जगह पे डिस्क बल जाए और वो वहीं पे फ्यूज हो जाए एज के साथ, यानी कि हार्डन हो जाए, उसको आप समझ सकते हैं कि अगर पैर पे एक स्कार मारते हैं तो वो वहां पे टाइट हो जाता है या उसके आसपास की थोड़ी ग्रोथ रुक जाती है, उसी तरह से वो नेचुरल हील बॉडी करके, डिस्क हील करके वहीं पे सिकुड़ जाती है। जो नेचुरल हीलिंग होती है उसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है, वो होता है स्टिफनेस। अब नेचुरल हीलिंग के साथ में इनकी गर्दन की रिस्ट्रिक्शंस, हाथ की शोल्डर की रिस्ट्रिक्शंस रुक गई हैं, तो ये हम खोल सकते हैं एक्सरसाइज से, सारी चीजें ये वापस आ सकती हैं। तो और अब ट्राई करते हैं जिसको आप कायरोप्रैक्टिक बोलते हो, वैसे कायरोप्रैक्टिक में कपिंग भी आता है, नीडलिंग भी आता है, मसाज भी आता है, आप जो भी काम हाथ से करते हो वो सारी चीजें कायरोप्रैक्टिक में आती हैं। So viewers, देखते रहिएगा, इट्स अ चैलेंज फॉर मी, इज वेरी स्टिफ, पोस्चरल चेंजेस बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पे रहते नहीं है, अगर रहते होते तो मैं आई हैड लिबर्टी टू हेल्प हिम मोर, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, आप सब देखते रहिएगा। क्या मैं इनके साथ बाई एक्सेस करना चाहूंगा? यस, आई वुड लव टू डू बाई एक्सेस। ट्राई तो कर ही सकते हैं, कम से कम बहुत ज्यादा थ्रस्ट नहीं दे सकते तो मिनिमम थ्रस्ट ले सकते हैं, फोर्सेस अप्लाई कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इस तरह के पेशेंट्स में मैं उतने ही एफिशिएंटली फोर्स लगा सकूं, और आपको भी कोई क्रिक की आवाज नहीं है सिवाय
हल्की फुल्की मुझे और निरंजन जी को इजी लंबी सांस छोड़ देंगे, लंबी सांस ओके, वो भी नहीं, वो भी नहीं, बिकॉज स्पाइन इज कंप्लीटली फ्यूज, स्पाइन में कोई मोबिलिटी नहीं बची है, ओके इजी टर्न करेंगे मेरी तरफ, करवट ले लीजिए। और व्यूअर्स, मैंने बहुत सारी और चीजें ऑब्जर्व की हैं अपने काम में, वो ये है कि जिस तरह की उनकी प्रॉब्लम है, जिस तरह की उनकी स्पाइन है, इस चीज के लिए मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है इनके पाओं को देख के या फील करने की, दो ही चीजें हो सकती हैं, एक हो सकती है एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस और दूसरा हो सकता है पाओं के हाइरार्चिस। उन्हीं पेशेंट्स की हम स्पाइन कंप्लीटली फ्यूज होते हुए और इतना हार्ड होते हुए देखते हैं, और ये वेन्स डायलेट हो रही हैं, तो डेफिनेटली एंगल्स ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं पाओं में, बट वेन डायलेशन शो कर रही हैं कि मोस्ट प्रोबेबली एडी, देखिए कितना साइज बड़ा हुआ है, या तो आगे वेट डालते हैं या यहाँ पे पास कर लीजिए, इजी पास बस। अब ये देखते हैं कि क्या कमर में कोई लोअर बैक में स्पेस है, लोअर बैक पे हल्की सी आवाज भी आई और मूव भी किया, टर्न उस तरफ। अब हम क्यों ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा थ्रस्ट नहीं देंगे, क्योंकि जब भी कोई भी थ्रस्ट देंगे, कोई भी ज्यादा प्रेशर डालेंगे, तो हो सकता है कि मसल्स एक्सेसिवली स्ट्रेच हो जाएं और ये कहें कि मैं ठीक होने गया था, उल्टा मेरा पेन इंक्रीज हो गया। रिलैक्स, क्रॉस कर लेंगे, इजी इजी, ओह नाइस। अब जैसे ही मैंने लोअर बैक का इंटेस्टर किया है, मैं और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूं कि इनकी प्रॉब्लम इनके पाँव में है, और अब मैं कैसे इनको कन्विंस करूंगा कि गर्दन की प्रॉब्लम इनके पाँव से कैसे है, मैं फुट असेसमेंट करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये समझ सके, एंड आई एम श्योर इन फ्यू मंथ्स इनकी प्रॉब्लम भी काफी हद तक कम हो जाएगी। नाउ लेट्स डू द नेक एडजस्टमेंट, this should be little comfortable to you as neck moves very nice, there was cracks left side easy, equally on the right side, गर्दन के अलावा और थोड़ा सा कमर के अलावा बीच में कुछ नहीं मूव किया, तो स्पाइन में दिखा देता हूँ कि हल्की सा मैंने जब ये रोटेट किया लंबर तो ये रोटेट हुआ हल्का सा, नेक इसमें है नहीं स्पाइन है, बट जब मैंने नेक रोटेट किया तो नेक रोटेट हुआ, और थोड़ा सा मैं वर्टिकल थ्रस्ट देके इनका वाई एक्सिस भी करना चाहूंगा। निरंजन जी, पंजों को जमीन पर लगा लीजिए, पूरा नीचे चले जाइए, पूरा नीचे चले जाइए, पूरा पूरा नीचे, घुटने भी मोड़ लीजिए, मैं वाई एक्सिस ले उठाया, ब्रीद आउट करेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस, ब्रीद आउट, इजी, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ये इनके लिए सबसे ज्यादा ताकत वाली चीज थी, राइट सर? कैसा लगा, कुछ लगा खुला, कुछ खिंचा, आराम से ऊपर आके बैठ जाएंगे, इसी में हुआ, इससे नीचे फील नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि स्पाइन इतनी टाइट थी कि सिर्फ इनको C6-C7 तक ही गई, मैं सोच रहा था शायद नीचे तक डॉर्सल स्पाइन तक भी प्रेशर जाए था, बट बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल तो नहीं है, नहीं, कैसा लग रहा है एडजस्टमेंट कर, दर्द है सर, देखिए एंड में पेशेंट एक ही चीज पे फोकस करता है, दर्द पे, हमारा फोकस दर्द पे नहीं है, हमारा फोकस इनकी एक्सरसाइजेस पे है, इनकी मोबिलिटी पे है, इनके हाथ चलने पे है। एक एक्सरसाइज और बताना चाहेंगे इनको जो इनको करना चाहिए, वो पीवीसी पाइप की, आप सब भी देखते रहिए, इनको गर्दन की दिक्कत है, पकड़ लीजिए, दूर पकड़ेंगे जितना दूर पकड़ सकेंगे,
और इस पाइप को पीछे यहाँ तक ले जाना है बिना एल्बोज को मोड़े ले जाइए कीजिए 10 बार यस इससे आपके जो नेक का प्रेशर है पीछे बता रहे हैं और एल्बो सीधे रखेंगे वही टाइट होगा जो आपको दिक्कत दे रहा होगा और पास करते जाएंगे मुश्किल होता जाएगा दूर करेंगे आसान होगा ग्रिप अगर आप ग्रिप छोड़ देंगे आप यहां से थोड़ा मोड़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है अभी लेकिन ग्रिप मत छोड़िए यस देखिए कि कितना टाइट है कोई बात नहीं कैसे भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज तो हो रही है वही जगह हाँ ग्रिप टाइट लेफ्ट आर्म चलाइए चलाइए आपको महसूस होगा बिल्कुल होगा ग्रिप टाइट वेरी गुड खींच रहा है ना सब जगह ये एक्सरसाइज पे आपको फोकस पूरा रखना है जितना ज्यादा खोलोगे उतना ज्यादा आपको तो जिनके पास पाइप ना हो पहली प्रायोरिटी है कि आप पाइप से ही करें क्योंकि पाइप नहीं मुड़ता टॉवल मुड़ सकती है इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से अंकल आसानी से चीटिंग कर सकते हैं पाइप में नहीं कर सकते अब सेम चीज को दो कर मुझे पाइप लंबा होता है टॉवल इतनी लंबी नहीं होती मुझे अब इसमें मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा एल्बो मोड़ना जो एल्बो मोड़ रही होगी उस तरफ पीछे का काम स्कैपुला नहीं कर रहा होगा थैंक यू व्यूअर्स आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए ये एक्सरसाइज बताना इनके लिए जरूरी थी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि 4-5 दिन रुक जाएं बट अगर इनकी वायबिलिटी होगी तो रुकेंगे अदरवाइज दे विल गो बैक एंड थैंक्स मोनिका बिश्नोई फॉर रेफरिंग मी योर अंकल एंड एज आई बीन टोल्ड दैट यू आर फ्रॉम यू नो इंदौर मोस्ट प्रोबब्ली माय कॉलेज और एनी अदर कॉलेज थैंक्स फॉर रेफरिंग मी थैंक यू